नमस्कार दोस्तों, फिलान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिलान ऑफिशियल पे आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही एथिकल और अच्छे लीडर की फिलान में बिजनेस जर्नी की बात करेंगे, जो दो दिन पहले फिलान में डायमंड लीडर बने हैं। दोस्तों, ये लीडर में ऐसी तो कौन सी खूबी है कि जिसके कारण मैं आज इनकी बात आपके सामने कर रहा हूँ, वो ये है कि सोमनाथ जी ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंपनी में जो टॉप पोजीशन है डायमंड लीडर, वो उन्होंने हासिल की है। उसके बारे में हम आगे वीडियो में समझेंगे और उनके अंदर जो कुछ भी पॉजिटिव क्वालिटियाँ हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए हम सब एडॉप्ट करें और उनका जो सक्सेस पाथ है वो पाथ पर चलते हुए आप लोग भी आने वाले समय में फिलान के सर्वोच्च रैंक डायमंड को हासिल करें, वैसी मेरे दिल से आप सभी को शुभकामनाएं। सो लेट स्टार्ट द जर्नी ऑफ सोमनाथ घोष जी इन द फिलान हर्बोमेडिक्स। दोस्तों, सोमनाथ घोष जी का जन्म 28 दिसंबर 1977 को दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में हुआ। जब फिलान को उन्होंने ज्वाइन किया, उससे पहले वो एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर 67,000 पर मंथ सैलरी पे काम कर रहे थे। लेकिन जब उनको उनकी अपलाइन मनोज घोष जी ने फिलान हर्बोमेडिक्स का प्रोडक्ट्स एंड प्लान दिखाया, तो उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया कि मैं ये कंपनी में काम करूँगा, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। दोस्तों, सोमनाथ घोष जी से मेरी फर्स्ट टाइम ऑन कॉल बात 6 दिसंबर 2019 को हुई। वो दिन तकरीबन 9 बजे के आसपास उनके ग्रेट अपलाइन और कंपनी में डबल डायमंड की पोस्ट पे विराजित वैसे मनोज घोष जी ने मुझसे बात करवाई। वो दिन तकरीबन हमारी 15 से 20 मिनट तक फ़ोन पे बात चली और वो बात से मुझे कुछ अंदर से मेरी सिक्स सेंस से आवाज़ मिल गई थी कि ये बंदा ज़रूर फिलान हर्बोमेडिक्स में बड़ा काम करेगा। उसके पीछे की दोस्तों कुछ वजह है, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करूं। जब उन्होंने मेरे साथ पहली बार बात की तो उन्होंने कंपनी के विज़न, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंपनी के बिजनेस प्लान, ये सभी के बारे में पूरा का पूरा क्लैरिटी मेरे से लिया। और उसके बाद जब वो पूर्ण संतुष्ट हुए, उसके बाद ही जॉब छोड़ने का फैसला लिया और फिलान में फुल टाइम विथ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क से लग गए। दोस्तों, आज भी मुझे वो दिन याद है जब एक दिन अचानक रात को सोमनाथ जी का मेरे पे फ़ोन आया और वो प्रोडक्ट के बारे में और उसकी जो MRP है उसके बारे में मेरे से वो डिस्कस करने लगे। उनकी डिस्कशन से मुझे पता चला कि जो फिलान के प्रोडक्ट का जो रेट जो ट्रेडिशनल मार्केट से भी जो कम है, और उसके कारण उनको जो मार्केट से जो फीडबैक आ रहा था कि कहीं सर वैसा तो नहीं है कि भाई हमारी प्रोडक्ट का रेट आज ट्रेडिशनल मार्केट से भी कम है, तो लोग मेरे को एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहीं वैसा तो नहीं है कि भाई क्वालिटी के साथ हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तभी जाके मेरी और उनकी बहुत लंबा डिस्कशन चला और मैंने उनको पूरा आश्वस्त किया कि हमारी जो कंपनी है हेतल फार्मास्यूटिकल, जो गवर्नमेंट में GMP सर्टिफाइड कंपनी है, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया जाएगा। मेरी ये बात सुनकर वो बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने तुरंत कंपनी में रीपर्चेस ऑर्डर लगाया। पहले फिलान के सभी प्रोडक्ट्स को अपने घर में खुद यूज़ किया और वो यूज़ करने के बाद जब उनको पूर्णतः सेटिस्फेक्शन हुआ, तब उन्होंने प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट किया। दोस्तों, ये बात मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों एक सक्सेस के लिए जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे छुपी हुई है। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और अगर आपने खुद उसको यूज़ नहीं किया है, तो आप दूसरों के सामने वो प्रोडक्ट के क्या गुण हैं वो आप नहीं बता सकते। तो ये चीज़ मेरे को सोमनाथ घोष जी की बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने जब प्रोडक्ट उनके पास आए और यूज़ करने के बाद मेरे को फिर से एक बार फ़ोन किया और बोला कि इसने जो मेरे को बात बताई थी वो पूरी बात से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ और हमारे कॉस्मेटिक के जितने भी प्रोडक्ट हैं
वो मेरी वाइफ और मेरी बेटी ने यूज़ किए और वो लोग बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है, और मेडिसिन प्रोडक्ट से भी मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जब तक इस दुनिया में हूँ तब तक मेरे घर में हर एक प्रोडक्ट फिलान का यूज़ होगा, ये मेरा आपसे वादा है। वो दिन मेरे को खुद को भी एक अच्छा फीलिंग हुआ कि नहीं, कोई चीज़ अगर हम ऑनेस्टी से बनाए या कोई भी चीज़ अगर हम अच्छी क्वालिटी का या अच्छा बनाते हैं, अच्छे दाम में देते हैं, तो मार्केट में वैसे भी लीडर और वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि जो हमारी एफर्ट्स को भी अप्रिसिएट करते हैं। और आपका यही फीडबैक हम लोगों को दिन प्रतिदिन नए और अच्छे प्रोडक्ट लाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, उनका जो दूसरा क्वालिटी जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो था उनका लोगों के साथ व्यवहार। चाहे वो अपने डाउनलाइन हो, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो मेरे स्टाफ के मेंबर्स हो, या चाहे वो मेरे साथ, जब भी वो बात करते हैं तो आपको कहीं से भी वैसा एहसास नहीं होने देते कि आप और वो अलग हैं। जब वो मेरे साथ बात करते हैं तो उनका बात करने का तरीका एक वैसा, एक बड़े भाई जैसा होता है। जब स्टाफ के साथ भी बात करते हैं तो वो एज अ भाई की तरह ही बात करते हैं। जब वो अपनी अपलाइन से भी बात करते हैं तो भी वो एज अ लाइक फैमिली की तरह बात करते हैं। और अपनी पूरी डाउनलाइन, अपनी जितनी भी टीम है उसके साथ जब वो फील्ड पे होते हैं या वर्क करते हैं तो पूरी टीम उनके व्यवहार वर्तन से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होती है। ये क्वालिटी हर एक लीडर के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, और ये क्वालिटी सोमनाथ घोष जी के अंदर फुट फुट कर भरी हुई है, और शायद इसी कारण वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में सक्सेस हुए। उनका थर्ड क्वालिटी दोस्तों उनकी थर्ड क्वालिटी वो है कि उनका काम के प्रति डेडिकेशन, वो मैंने आज तक किसी भी बंदे में दोस्तों नहीं देखा है। उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल अभी के दिनों में एक हुए इंसिडेंट से आपसे देता हूँ। आपको जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको सोमनाथ जी के वैसे भी कुछ सेमिनार या ट्रेनिंग के पिक्चर्स दिखेंगे कि जहाँ पे उनके हाथ में फ्रैक्चर है। ये दोस्तों इन्हीं दिनों की बात है, जस्ट एक वीक पहले की बात है। एक दिन मैंने सोमनाथ जी को सामने से फ़ोन किया कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने सामने से मेरे को बताया कि सर मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है और उसके कारण मेरे दाएं हाथ में फ्रैक्चर है। मैंने बोला सर अभी आपको कैसा है, तो उनके बाद उन्होंने बोला सर ठीक नहीं है लेकिन कल ट्रेनिंग सेमिनार है और ट्रेनिंग में मैं जाने वाला हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरे को ताजुब हुआ कि एक बंदे को अगर अगले दिन फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में और फिर भी वो अपने काम के प्रति पूरा डेडिकेशन दिखाते हुए वो अगर ट्रेनिंग सेमिनार लेने के लिए जाता है तो वो बंदे में वाकई में कोई एक्स फैक्टर है कि जिसके कारण वो सक्सेस हुआ है। अभी जो आपको वीडियो में दोस्तों जो पीक देख रहे हैं वो वही सेमिनार के हैं कि जहाँ पे दाएं हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद वही डेडिकेशन, वही एनर्जी के साथ सोमनाथ जी ने वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेमिनार डिलीवर किया और अपनी डाउनलाइन को दिया हुआ वादा पूरा किया। दोस्तों, सोमनाथ जी के अंदर जो चौथा क्वालिटी है वो है कंपनी के प्रति ऑनेस्टी, वफादारी और विश्वास। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि अभी हम जो दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना महामारी के दौर से, वो दौर में भी ऐसे कंपनी हमने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में डिले और लॉकडाउन के कारण बिजनेस में आया डाउनफॉल। हर एक विषम परिस्थिति में कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोमनाथ जी खड़े रहे और अपनी वफादारी, निष्ठा दिखाकर हमें एज अ कंपनी मैनेजमेंट प्राउड फील करवाया। सोमनाथ जी, आपके कंपनी के प्रति इस व्यवहार को पूरा फिलान परिवार सलाम करता है और आपके डायमंड शिप कपलेट होने पर आपको ढेर सारी बधाई देता है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लाइफ में आपके जितने भी सपने हो वो सभी सपने फिलान के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे हो और कंपनी का जो अल्टीमेट रैंक है वो फिलान ब्रांड एम्बेसडर रैंक आप बहुत जल्द हासिल करो। जय जय फिलान।